बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। आखिर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दरअसल ये प्लांट में ही पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो दरअसल क्या होता है कि दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ द मोर देन द वन टाइप ऑफ द सेल। ये जो टिश्यू होते हैं एक से अधिक प्रकार की सेलों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स शब्द का जटिल। ये जटिल होते हैं काफ़ी। क्यों जटिल होते हैं? क्योंकि अलग अलग तरह की सेल से मिलकर के बने होते हैं। हमारी देखो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स बॉडी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो भी बहुत ही तरह की सेलों से मिलकर के बनी हुई है, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार की सेलों से मिलकर के बनी हुई है। तो अब देखें, these are particularly found in the vascular tissue। ये मुख्य रूप से क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये वास्कुलर टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, एंड हेंस दे आर ऑल्सो द रेफर टू एज द वास्कुलर टिश्यू। और ये इस तरीके से वास्कुलर टिश्यू की तरफ भी एक संकेत करते हैं। और दीज इंक्लूड, इनमें शामिल क्या रहता है आपका? एक तो आपका जाइलम टिश्यू शामिल रहता है, फ्लोएम टिश्यू शामिल रहता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर हम सीखें तो जाइलम टिश्यू क्या है? जाइलम टिश्यू जो होते हैं दीज आर द मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये मुख्य कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं प्लांट के, किसके? प्लांट के। ये मुख्य जटिल टिश्यू होते हैं प्लांट के, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल ट्रांसपोर्ट। दरअसल इनका मुख्य काम होता है कि वाटर जो होता है, मिनरल होता है, जैसे जड़ें जो होती हैं पानी वगैरह को जो सोखती हैं, मिनरल्स को सोखती हैं, उनको ये सोखने के बाद में ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? ये प्लांट की बॉडी में, पूरी बॉडी में, जैसे कि जड़ों से लेकर के पत्तियों तक जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो यही करता है। कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। तो जरा बात करें तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग द फोर एलिमेंट। जाइलम के भी चार एलिमेंट हो जाते हैं, चार प्रकार के जाइलम होते हैं। जाइलम के अंदर भी चार प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रैचीट जाइलम जो होता है इन चारों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है ट्रैचीट आता है, दूसरे नंबर पर आपका वेसल्स, तीसरे नंबर आपका जाइलम फाइबर, और चौथे नंबर पर आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये जाइलम के ही क्या है? एलिमेंट है। ये जाइलम के ही अंदर पाए जाने वाले उनके ही मतलब ये पार्ट है, किसके? जाइलम के। तो ट्रैचीट के बारे में अगर हम बात करें, दीज आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब ये लंबे होते हैं। नॉन लिविंग स्केलेरन काइमेटस सेल्स होती हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जीवित नहीं होते, मतलब इनमें लाइफ नहीं होती है, और ये इसीलिए इनको स्केलेरन काइमेटस सेल भी कहा जाता है। दीज आर हॉलो सेल्स। दरअसल क्या होते हैं? ये अंदर से पोले होते हैं, होलो होते हैं, मतलब अंदर वाली जगह होती है वो खाली होती है, ट्यूब की तरह। जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर ये जगह है, खाली स्पेस है, तो इसी तरीके से ट्यूब की तरह होते हैं। तो दीज आर द हॉलो सेल्स एंड हैव द टैपरिंग एंड, और इनका टैपरिंग एंड होता है। टैपरिंग एंड मतलब होता है जैसे टैप जैसा, मतलब आगे जो है हल्की सी जो संरचना होती है इनकी वो फ्लैट होती है, पतली होती है, तो टैपरिंग एंड होता है। दीज हैव द रिगिड थिक सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल होती है रिगिड मतलब कठोर भी होती है, ठोस होती है, और साथ में मोटी भी होती है, किनकी? ट्रैचीट की सेल वॉल। तो अभी हम ट्रैचीट के बारे में और भी पढ़ेंगे, देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट रह गया था, तो वो पॉइंट क्या है? ट्रैचीट के अंदर ही यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था। तो ट्रैचीट के अंदर ये पॉइंट रह गया था कि मेच्योर ट्रैचीट जो होते हैं, मेच्योर मतलब जो बड़े अडल्ट जो ट्रैचीड होते हैं, हैव द मैनी स्मॉल अपार्चर्स कॉल्ड द पिट्स। उनके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ऐसे ही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिल्स के बारे में। बेसिल्स, और बेसिल्स को हम ट्रैचीया भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ते हैं मतलब इस चीज़ को ट्रैचीया, लेकिन हम यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन जो कराएंगे, टोटल जो हम आपको पढ़ाने वाले बेसिल्स नाम से ही लेकर के पढ़ाएंगे। तो बेसिल्स जो होते हैं दीज आर इलोंगेटेड ब्रॉड सिलेंड्रिकल सेल्स। ये दरअसल इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। सिलेंड्रिकल मतलब जैसे सिलेंडर यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, इस तरह की ये सेल्स होती हैं। सिलेंड्रिकल शेप में इनकी सेल पाई जाती हैं। तो दीज आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब लंबे होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। दीज हैव द परफोरेटेड एंड। इनका जो एंड होता है, आखिरी जो सिरा होता है, उसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, किसके अंदर? बेसिल्स के अंदर। दे हैव ऑलमोस्ट द सेम डायमीटर थ्रू आउट देयर द लेंथ। ये
मतलब इनकी जो पूरी लंबाई भर, ये अपना डायमीटर जो होता है, सेल जो होती है इसकी, वो सेम बना के रखती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैं एक बेसिल बना दूँ, तो यहाँ पर ये बेसिल जो है पूरी की पूरी बेसिल एक ही शेप में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कहीं मोटी होगी कहीं पतली होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इसकी लंबाई जो है समान रूप से होती है और मोटाई भी समान रूप से होती है। दीज आर फाउंड ओनली इन द एंगियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। दरअसल क्या होता है कि ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। एंगियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट से होता है। तो दीज आर फाउंड ओनली इन एंगियोस्पर्म प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही ये सिर्फ पाई जाती हैं। क्या चीज़ें? बेसिल्स। दीज आर अरेंज्ड एंड टू एंड, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एंड टू एंड होती है। एंड टू एंड का मतलब होता है कि जैसे एक सेल, एक बेसिल यहाँ पर ख़त्म हो गई तो दूसरी बेसिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है एंड टू एंड होती है, फॉर्मिंग द लॉन्ग अनइंटरप्टेड कॉलम। इसी के चलते एक लंबा सा बिना ब्रेक वाला, मतलब कहीं पर भी ऐसा, मतलब ये कॉलम बनाती है कि बीच में कहीं भी वो टूटा नहीं होता, कॉलम बिल्कुल एक समान रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। बेसिल्स आर आल्सो द डेड सेल। बेसिल्स जो होती हैं वो डेड सेल होती हैं एट द मेच्योरिटी पर, मतलब मरने जैसी ये बढ़ जाती हैं, सेल काफ़ी मेच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, तो ये मर जाती हैं। विद द थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। मोटी होने की वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो लिग्निन होता है बहुत सारा जमा हो जाता है सेल वॉल पर आ करके, इसके चलते ये मोटी सेल वॉल हो जाती है इनकी, और रिगिड भी हो जाती है, हार्ड भी हो जाती है। किसकी? बेसिल्स की। दीज सेल ऑल्सो पजेस द पिट्स। इस सेल, इनकी सेलों के अंदर छोटे छोटे पिट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा